हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में खुश रहना चाहता है लेकिन खुश नहीं रह पाता है। तो दोस्त आज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो अगर आपने अपने लाइफ के रिगार्डिंग उन सभी चीजों को अप्लाई कर दिया तो आज और अभी से आप अपने जिंदगी में, अपने जीवन में और अपने लाइफ में हमेशा के लिए खुश रहोगे। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। तो दोस्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैप्पीनेस, खुशी के लिए, मतलब कि ऐसा समझ सकते हो कि खुशी तो मतलब ना ही खरीदा जा सकता है, ना किसी और का खुशी आप ले सकते हो, ना किसी और को खुश देख के आप खुश हो सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ के रिगार्डिंग उन सभी चीज़ों को अगर अप्लाई किया जाए तो 100% तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन 50-60% चांस होता है कि आप अपने लाइफ में खुश रह सकते हो। तो उसी हर एक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मैंने 10 चीज़ों को पॉइंट आउट किया है जो हमारे हैप्पीनेस के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मैंने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जो 10 निकला है कि अगर 10 चीज़ों को अपने लाइफ के रिगार्डिंग उन सभी चीज़ों को अगर अप्लाई कर दिया जाता है तो 60-70% चांस हो जाता है कि हम अपने लाइफ में खुश रह सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप 10 चीज़ों को क्लियर करूंगा। आपको सही तरीके से जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और आज अभी इसी वक्त से अपने लाइफ के रिगार्डिंग अप्लाई करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान से सुने, समझें और अपने लाइफ के रिगार्डिंग इन सभी को अप्लाई करें। सबसे पहले नंबर में जो हमारे लाइफ के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मोबाइल। तो पहला नंबर दोस्त यही आपको काम करना है कि सुबह में जब आप सो के उठते हो तो अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन चेक करना बंद कर दो, अपने मोबाइल का मैसेज चेक करना बंद कर दो। क्योंकि ऐसे बोल सकते हैं कि अभी के टाइम में 95% लोगों का सुबह उठते उठते सीधा हाथ मोबाइल पे जाता है, क्या क्या मैसेज है, क्या क्या नोटिफिकेशन है, चेक करो, ठीक है। तो आधा तो प्रॉब्लम का शुरुआत वहीं से हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सुबह उठने के साथ मोबाइल से दूर रहो, कम से कम 1 घंटा तो दूर रहो उठने के बाद, उसके बाद आप अपना मोबाइल यूज कर सकते हो। सेकंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह में 1 घंटा मोबाइल से दूर रहना है तो उस 1 घंटे को यूज करना है किस तरीके से। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो एक्सरसाइज कर सकते हो, नहीं तो अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो बुक पढ़ सकते हो, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, उन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। नहीं तो सुबह सुबह नहा वहा के भगवान का नाम लेते रहो, वो ज़्यादा प्रॉफिट देगा। थर्ड, रोज कम से कम, हर एक दिन कम से कम आपको 1 घंटे का वर्कआउट लेना है, ठीक है ना। अब वर्कआउट करने का ऐसा मतलब नहीं है कि मतलब कि जिम में जाके इतना बड़ा बड़ा डंबल उठाना है, ठीक है ना, और 10-20-50 डिप्स लगाना है, 50 आपको पुशअप लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब कुछ भी, वर्कआउट का मतलब कुछ भी, जो आपको खेलना पसंद है वो भी कर सकते हो, अगर सुबह सुबह घूमना पसंद है तो वो भी कर सकते हो, साइकिल चलाना पसंद है तो वो भी कर सकते हो, दौड़ना पसंद है तो वो भी कर सकते हो। तो वर्कआउट 1 घंटा का करना है, जो आपका फेवरेट हो, जो आपको अच्छा लगता है। 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्त, कम से कम हर रोज हर दिन आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो कि आज के दिन मुझे करना क्या है और अचीव क्या करना है। क्योंकि टारगेट अगर आप बनाते हो ना रोज, तो आपका माइंड फोकस्ड रहता है कि आज पूरे दिन मुझे करना क्या है। 5, जरूरत से ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखो, ठीक है, जरूरत से ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जिससे आप उम्मीद रखते हो अक्सर हमेशा दुखी पहुंचाता है। तो आप इस चीज पे ध्यान रखो कि जरूरत से ज्यादा किसी से उम्मीद नहीं रखना है अगर आप खुश रहना चाहते हो तो। अगर आपके दिल में और मन में कोई बात परेशान कर रहा है या दुखी कर रहा है आपको, तो उससे भूलना तो पॉसिबल नहीं है, समय के साथ भूला जा सकता है, लेकिन अर्जेंट रिक्वायरमेंट में अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भूल जाऊं तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो उसका एक बहुत ही अच्छा सा उपाय है, आप उस प्रॉब्लम को कहीं पे किसी डायरी में या कॉपी में लिख सकते हो, लिख देने से मन हल्का हो जाएगा और दिल भी हल्का हो जाएगा, तो खुशी बनी रहेगी। 7, जो बहुत ही जरूरी है, अभी के टाइम में हर एक व्यक्ति सोने से पहले जब भी बेड पे जाता है तो आदत सी बन गई है सबका, 95% लोगों का तो यही आदत है कि जाके मोबाइल में मूवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारा चीज़ जाके मोबाइल में लग जाते हैं सोने से पहले। लेकिन दोस्त सोने से पहले आप लग सकते हो, जब आप बेड पे जाते हो तो आप लग सकते हो, लेकिन कृपया करके आप सोने से आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट पहले अपने आप से मोबाइल को
दूर रखें। 8 नंबर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम लोग हमेशा जब भी सोने जाते हैं तो हमेशा सोचते रहते हैं कि किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या बोल रहा है, किसका लड़ाई, किसका झगड़ा, फलाना ढींगना, बहुत सारा चीज़ हम लोग सोचते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को सोचना तो बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ सोचना ही है तो आधा घंटा 30 मिनट निकाल लो और खुद अपने बारे में सोच लो कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ हो, आज क्या किया और कल क्या करना है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अक्सर हम लोगों के साथ होता है ना कि हम लोग दुखी हो जाते हैं, ठीक है ना, जो 9 नंबर पॉइंट है, हम लोग दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो दुखी होने के बाद आप क्या कर सकते हो? सबसे अच्छा मैं अपना सजेशन आपको बताता हूँ, मैं दुखी होने के बाद क्या करता हूँ, मैं दुखी होने के बाद सीधा घूमने निकलता हूँ, डोलने निकलता हूँ, क्योंकि घूमना एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है और माइंड रिलैक्स होता है। तो 9 ऑप्शन यही है, जब भी आप दुखी हो जाओ तो घूमने के लिए निकल जाओ, जब भी आपका दिल नहीं लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी भी काम में दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो उसका बस एक ही ऑप्शन है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनका दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो वो अपनों से बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनका मन नहीं लगता वो खूब खाना खाते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग हैबिट है, किसी का दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो वो अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने रिकॉर्डिंग निकालते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप अपने रिकॉर्डिंग निकाल सकते हो। अगर आपका मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, तो आप उस काम को कर सकते हो जो आपको सबसे अच्छा लगता है। तो दोस्त, अगर आप अपने लाइफ की रिकॉर्डिंग खुश रहना चाहते हो तो आप अपने लाइफ में इन 10 चीज़ों को अप्लाई कर दो। मैं 100% की गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन 60-70% आपका काम बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम में से निकाला हुआ 10 सॉल्यूशन है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।